दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, आजकल किस तरह लाखों किसान अपने रोजगार को बचाने के लिए इस कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपने रोजगार को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। और उन किसानों को सपोर्ट करने के लिए हाईली एजुकेटेड पीपल, एक्टर्स, चाहे वो इंडिया से हो या फॉरेन से, सब आगे आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इससे आज के टॉपिक का अंदाजा हो ही गया होगा। जी हाँ, हम अपने किसान भाइयों के साथ हो रही बदसलूकी की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, बता दिया जाए, गवर्नमेंट जो खेती के प्रति कानून लाई है, इसके प्रोटेस्ट में यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, यूरोप जैसे बड़े देशों में जुलूस निकाला जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वे किसान विरोधी हैं। पर हैरानी की बात यह है कि कई लोगों की समझ में ये सब नहीं आ रहा है, इसीलिए वे किसानों को टेररिस्ट और अपशब्द बोल रहे हैं, जिसका हाल ही में नमूना देश में हुआ है कंगना रनौत का। जी हाँ, वही कंगना रनौत जो अपने आप को एक चलता फिरता मीडिया बोलती हैं। उनकी ट्विटर पर दिलजीत दोसांझ से झड़प हुई, जिस झड़प का रीज़न था कि उन्होंने पंजाब की वृद्ध महिला के लिए ऐसे शब्द यूज़ किए थे जिसे देखकर दिलजीत अपने आप को रोक नहीं पाए। तो उन्होंने कंगना की ट्विटर पर लंका लगा दी, जिसके चलते कंगना को कई लीगल नोटिस भी भेजे जा चुके हैं और उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कंगना को बोला भी गया है। और दोस्तों, बता दिया जाए, इस हरकत के बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर भी दिलजीत के फेवर में उतरे नजर आए हैं। बता दिया जाए, किसान मोर्चे में कंगना ने एक वृद्ध औरत के बारे बातें कही थी कि ऐसी औरतें 100-100 की दिहाड़ियों में मिल जाती हैं। वहीं उन माता जी की पहचान महेंद्र कौर जी से हुई है। बकायदा दिलजीत ने अपने ट्विटर पर उन माता जी की वीडियो भी शेयर की। वहीं कंगना रनौत अपनी बदतमीजी पर भी उतरी और उस बदतमीजी के चलते उन्होंने दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू तक बोल दिया, जो किसी को गवारा नहीं हुआ, जिसे दिलजीत के चलते काफी सिंगर्स ने ट्विटर किया, जिससे काफी बहसबाजी भी हुई। वहीं गिप्पी गरेवाल, सोनू सूद, एमी वेग, स्वरा भास्कर जैसे कलाकारों ने दिलजीत का सपोर्ट किया। वहीं ट्वीट करते हुए मीका सिंह ने भी कंगना को गलत बोला और शर्म करने को बोला कि वे ऐसे किसी औरत के बारे कैसे लिख सकती हैं, और ये भी बोला कि थोड़ी सी भी शर्म बची है तो माफ़ी मांग लें। वहीं कंगना पर फिर से कमेंट्स और पिक्चर्स पोस्ट होने लग गए, जिसमें हर कोई कंगना को अपनी जुबान सही करने को बोल रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। तो आगे की वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @thenikraathore। थैंक यू।